मेरे प्यारे छात्रगण, नवी कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, एक महत्वपूर्ण ऐसे उनका पोर्शन सभी समाप्त हो चुके हैं और किस तरह का पैटर्न रहते हैं, पोर्शन कितना है, ये सभी हम पिछले कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम ऐसे उनके लिए नहीं है लेकिन एपेत्री के लिए है, वैसा जो कहने वाले एक सुंदर पाठ पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। गायिका यह स्त्रीलिंग शब्द है, गायिका गायिका यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप है गायक। गायिका यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप है गायक। गायिका यह शब्द में इका प्रत्यय है, आपको यहां याद लेना है इका प्रत्यय है। आपको एक और विषय देना चाहता हूं, गायिका यह कन्नड़ में आप चेंजेस करते हैं तो आ गायकी ऐसा लिखते हैं, लेकिन हिंदी में आपको पर्टिकुलरली आपको गायिका ही लिखना पड़ता है। कन्नड़ में गायिका, गायक अन्य लिंग रूप याद कहते ನಾವೇನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗಾಯಕಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ, ಬಟ್ ಲೇಕಿನ್ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಗಾಯಕ ಅನ್ಯ ಲಿಂಗ ಗಾಯಿಕಾ ಲಿಖನಾ ಹೈ, ಗಾಯಿಕಾ ಸೇವಿಕಾ ನಾಯಿಕಾ ಐಸಾ ಹೈ। ಏಕ ಔರ್ ಬಾತ್ ಕಹನಾ ಹೈ ತೋ ಯಹ ಅಯಾದಿ ಸಂಧಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭಿ ಏಕ ಉದಾಹರಣ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಉಪಯೋಗ ಕರ ಸಕ್ತೆ ಹೋ। इका बीच में आया है, इका गे गई प्लस इका गायिका ऐसा आते हैं। आपको यह अयादि संधि में संधि के लिए भी उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हो। बच्चों, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, लता मंगेशकर एक महत्वपूर्ण ಗಾಯಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂಥ ಗಾಯಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದಂಥ ಗಾಯಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು। ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕಿ ಜೀವನ್ सुखमय जिंदगी से बरा नहीं था, उनकी वह जिंदगी में बहुत कष्टों को उन्होंने अपने आंखों से देखे, अनुभव किए। यह कष्ट ही भविष्य में लता मंगेशकर को इतना उत्तुंग स्थान पर रखने में सफल भी हुए। आज संगीत के जो लोक में लता मंगेशकर का नाम बहुत आदर से लिया जाता है, स्वर साम्राज्ञी कहते हैं लता मंगेशकर को, अभिनव सारदे कहते हैं लता मंगेशकर को, की जैसे गाने वाले दूसरा नहीं है ऐसा कहते हैं। बहुत सारे फिल्मों में इन्होंने अपना गायन दिए है, गाना गाए हैं और बहुत सारे एल्बम के लिए भी इन्होंने बहुत गाना दिए है। एक तो आज की दुनिया में भी एक बार वैसे गाना सुनते ही रोम रोम कांप उठते हैं और सबका दिमाग एक एक समय के लिए है देश सेवा करने के लिए समर्पित हो जाते हैं। वह गाना है ये मेरे वतन के लोग, वह है देख लीजिए, ये मेरे वतन के लोग जरा आंखों में बदलो पानी,
जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कितना महत्वपूर्ण पद्य है देखिए, यहाँ जो शहीद हुए हैं भारत देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, उन जो सैनिकों को जागृत करते हैं, मतलब उन सैनिकों के कुर्बानी को जगाने का प्रयास करते हैं, और साथ ही साथ जो नवयुवक सैनिक है उन सबको प्रेरणा देते हैं, नवयुवकों के दिल में एक नया जोश भरने का काम भी करते हैं। देखिए कितना बहुत गहरा जो शब्दार्थों से भरा है यह पद्य। लता मंगेशकर जी के विस्तृत जो जानकारी आपको अगले कक्षा में मैं देने के लिए प्रयास करता हूं, आज हम लता मंगेशकर नामक पाठ, उसके आशय और कुछ बचपनों के जो स्मृतियों के बारे में अध्ययन करने वाले, क्या क्या रहते हैं उस सभी विचारों के बारे में देखेंगे। पाठ 9, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, संगीता अग्रवाल है, संगीता अग्रवाल है। लेखिका परिचय, संगीता अग्रवाल आधुनिक युग के एक सशक्त लेखिका है। आपकी रचनाएं बहुत आयामी हैं। आपका जन्म 19 अगस्त सन 1977 को एक राजनीतिक और व्यापारिक परिवार में हुआ। आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए तथा पत्रकारिता और कंप्यूटर में पीजी डिप्लोमा किया। आपकी रचनाएं हैं हिंदुस्तान, आउटलुक, नवभारत टाइम्स आदि पत्रिकाओं में छपती रही है। संगीता जी इस समय डीडी न्यूज की सेवारत है और स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य भी कर रही है। यह डीडी न्यूज में काम कर रही है अब, और साथ ही साथ वहां स्क्रिप्ट राइटिंग के कार्य भी करते आ रही है। इनकी जो सबसे बड़े उपलब्धि में एक है यह पाठ है पार्श्व गायिका लता मंगेशकर। संगीत अग्रवाल आशय है। यह पाठ संगीत अग्रवाल के पुस्तक शिखर महिलाएं से लिया गया है। महिला सशक्तिकरण के दौर में इस पाठ का उद्देश्य है ललित कला क्षेत्र में चमकने वाली भारत की प्रमुख गायिका लता मंगेशकर के जीवन से परिचय करवाना। इस पाठ के करवाना पाठ से लता मंगेशकर लता जी के प्रति सम्मान तथा संगीत के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। इस पाठ के जरिए हम लता मंगेशकर जी के जीवन, बचपन और संगीत के प्रति उनकी निष्ठा और उनके द्वारा गाया हुआ संगीत सुनकर हमें ऐसा महसूस होने वाला है शायद लता मंगेशकर एक बहुत बड़े उपलब्धि में एक है, स्वर साम्राज्ञी है, और इनके जो गायन के लिए गायन सुनना ही हम सबके लिए गौरव का विषय है। संगीत शब्द का उच्चारण करते हैं जिससे व्यक्तित्व का अक्सर सामने उभर कर आता है वह है स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर। जैसे ही हम संगीत म्यूजिक नाम सुनते हैं, म्यूजिक का नाम लेते हैं, एक जो शख्स नहीं तो एक चेहरा हमारे आंखों के सामने उभर कर आती है वह है लता मंगेशकर जी।
लता मंगेशकर जी आजकल बहुत बड़े बड़े संगीतकार है, संगीत गीत रचनाकार है, गायक है और गायिका भी है। उन सब में सबसे ऊंचाई के स्थान चुने वाले और सबसे ऊंचाई के स्थान पर विराजमान है हमारे लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी संगीत शब्द के जो उच्चारण करते हैं, हमारे आंखों के सामने एक चेहरा आने की जो संभावनाएं रहते हैं, वह है लता मंगेशकर जी के चेहरा उभर कर आते हैं। वह है स्वर साम्राज्य, साम्राज्य कहते हैं, साम्राज्य यहाँ स्त्रीलिंग रूप है, साम्राज्य का जो पुल्लिंग रूप है सम्राट। संगीत के आसमान में जहां सैकड़ों तारे टिमटिमाते हैं, वही चांद बनकर लता जी विश्व स्तर पर संगीत प्रेमियों के दिलों में राज किए हैं। आसमान में आप बहुत सारे सितारा देखते हैं, सितारा बहुत दूर रहते हैं और टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकाश देने वाले एक आकाश काय है, वह है चंद्रमा। उन सब में से जो प्रकाशमान दिखने वाले चंद्रमा की तरह है, मतलब मोस्ट ब्राइटिंग स्टार कह सकते हैं इस लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी बहुत सारे टिमटिमाने वाले तारों में एक है, उनमें से सबसे प्रकाश देने वाले चंद्रमा की तरह आसमान में हम रात को ऊपर देखें तो वहां चंद्रमा सबसे जो प्रकाशमान दिखते हैं, वह उपग्रह है, प्रज्वलित नहीं होते हैं, फिर भी आपको प्रकाशमान की जो यह विचार लेना है, प्रेमियों के दिल में राज किए हैं। आज भी बहुत सारे अपने रोल मॉडल की तरह लेते हैं लता मंगेशकर जी को, उनकी गाना ही वैसे है, सबको मंत्रमुग्धित कर देते हैं। वीर जारा नामक एक फिल्म है, उसमें ऐसे ऐसे गाना दिया है, बहुत सुंदर सुंदर गानों से वह उसे गाने के लिए मिला था और उसने बहुत स्कोप तरीके से प्रेजेंटेशन भी किए। हमारे यहाँ खुशकिस्मती है कि हम उस दौरे के रूबरू है जिसमें लता जी ने जन्म लिए है। रूबरू, रूबरू मतलब आमने सामने का प्रत्यक्ष। आज इस लता मंगेशकर जी के आमने सामने हम हैं और वहां जहां रहते हैं ना, जिस धरती पर रहते हैं ना, उस धरती में हम भी जन्म लिए हैं। जहां लता मंगेशकर जी की संगीत लोक विख्यात है, वहां हम भी विराजमान है। यहां हम रहते ही, हमारा यहां रहना ही कुछ किस्मती है, हम सभी लकी पेलो है, क्योंकि हमने जहां वहां जन्म लिए हैं जहां लता मंगेशकर जी ने जन्म लिया। जिस देश में लता मंगेशकर जी के जन्म हुआ है, वहां जन्म लेकर हम सभी अपने आप को कुछ नसीब मान सकते हैं, जिसमें लता जी के जन्म लिए हैं। इस देश में जन्म लिया है लता मंगेशकर, यह भारत माँ के लिए भी एक सौभाग्य का विषय कह सकते हो। स्वर साम्राज्य लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को हुआ। आपको यह याद रखना बहुत आसान है, देखिए 28 सितंबर है और 29 याद रखना बहुत आसान है। 28 सितंबर सी वह भी आपको याद रख सकते हो, 1929 में ही सब कुछ है। 28 यहां होने के बाद में 29 कितना सुंदर है नंबर, देखिए को हुआ। उनके पिता विश्वविख्यात संगीतज्ञ मास्टर दीननाथ थे। इनके पिताजी बहुत फेमस जो संगीतकार कह सकते हैं, और मास्टर दीननाथ इनके जो नाम है। जन्म के बाद इन्होंने अपने मौसी के यहाँ पहली बार आंख खोली, मौसी आंटी कहते हैं ना, माँ की बहन, मौसी के यहाँ पहली बार आंख खोली है
चौमासे के होते ही पिता को आपके भावी संगीत साम्राज्य बनने की प्रतीति होने लगी। मात्र चौमास की थी, चौमास के होते ही या सभी संगीत जो उपकरण था ना उसको स्पर्श करना पसंद करते थे। चौमास की उम्र में ही यह भविष्य में एक महान संगीतज्ञ बनने वाले हैं ऐसा जो प्रतीति होने लगे। इतने छोटे उम्र में हम कह नहीं सकते हैं, फिर भी ऐसा जो संगीत देने वाले जो कार्यकलाप लता मंगेशकर जी बचपन में करते थे और 4 वर्ष के आयु में ही प्रमाण दे दी कि संगीत की दुनिया के लिए ही बनी है। मात्र 4 वर्ष के उम्र में ही उन्होंने संगीत दुनिया के लिए ही बनी है ऐसा जो प्रमाण भी दे दिया, इट मीन्स निदर्शन भी दे दिया और सबूत भी हमें मिलने लगा यह संगीत की दुनिया के लिए बने हैं। घर के बरामदे में एक दिन उनके पिता दीननाथ सारंगी बजा रहे थे, लता ने भी हाथ बढ़ाकर उसे अपने हाथ में ले लिया। देख लीजिए 4 वर्ष के उम्र में ही, मतलब इतने छोटे से उम्र में ही वह सारंगी बजाना पिताजी से ले लिया और उस सारंगी को बजाना सीख लिया और मतलब वैसे जो बजाना उसको पसंदीदा होने लगे। इस तरह पिताजी को यह महसूस हुआ कि भविष्य में यह संगीत के लिए ही बनी है ऐसा महसूस होने लगा। इस प्रकार पिता की पुत्री के सारंगी पर संगीत का अभ्यास करने लगे। इस तरह पिता और पुत्री, पिता मास्टर दीननाथ और पुत्री लता मंगेशकर डेली अभ्यास करते थे, सारंगी का जो अभ्यास करते थे, सारंगी पर का अभ्यास करने लगे। उसी वर्ष पिता के साथ इंदौर में गाने का उन्हें पहला मौका मिला, इंदौर में उन्हें गाने का मौका मिला। बहुत छोटी उम्र में ही उनको गाने का मौका मिला, यह एक्सपर्ट मतलब संगीत सीख कर नहीं गाई है, ऐसे जो अपने जो यू ही गाने का जो मौका मिला उस वक्त उन्होंने इंदौर में गाने के लिए मिला। उन्होंने तंत्र सहाने पर गाया जिसे सुनकर पिता उनकी आवाज पर मुग्ध हो गए। सहनाई पर, सहनाई मतलब आपको मालूम है, हनाई पर उन्होंने गाया जिसे सुनकर पिताजी उनकी आवाज से मंत्रमुग्धित हो गए। इतनी छोटे उम्र में ही उसका आवाज बहुत मेलोडियस जो महसूस होने लगा और बहुत अच्छा उनको लगा। लता जी प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठती और तानपुरे पर गाने बजाती थी। वैसे प्रतिदिन वह सुबह जल्दी उठती थी और तानपुरे पर अपना जो संगीत अभ्यास करने के लिए प्रारंभ कर देती थी। पिता के साथ रियाज के दौरान कुछ राग रगिनियां संगीत के छात्रों को भी सिखलाती थी। जो लोग पिताजी के यहाँ सीखने के लिए आते थे ना उनको भी यह कुछ राग रगिनियां सिखा देते थे। वह जो संगीत के राग रहते हैं उन सबको जो उन्होंने बच्चों को मतलब वहाँ रहने वाले छात्रों को, वहाँ आने वाले संगीत सीखने के लिए आने वाले छात्रों को भी सिखा देते थे। इस तरह उनके पिता के साथ संगीत सीखने आते थे, जो उनके पिता के यहाँ सीखने के लिए आने वाले जो छात्रों को ही वह सिखा लेते थे। 4 वर्ष की उम्र में ही ये सभी उनके जो अति बहुत छोटी उम्र में ही वह कर रहे थे। 4 वर्ष की उम्र में ही केएल सहगल के फिल्म चंडीदास को देखकर लता ने अपने प्रभावित हुए, इतना प्रभावित हुए। चंडीदास नामक एक फिल्म है, केएल सहगल की चंडीदास नामक एक फिल्म है। उन्होंने भोलेपन में कुछ जाने कहा कि मैं बड़े होकर सहगल से शादी करूंगी। कितना जो भोलेपन का जो बातें लिखी है उतना प्रभावित किया था सहगल के जो चंडीदास का जो फिल्म है ना के एल सहगल, उस जो चंडीदास नामक फिल्म में बहुत मनोज ने अभिनय किया था, वह उससे प्रभावित होकर भोलेपन में मातदारी के लिए इट मीन्स आड़ू मात पहले कहता है बड़े होकर मैं सागर से शादी करूंगी ऐसा उन्होंने कह दिया। फिल्म ने सुने गाने लता जी को क्रमशः याद रहते थे, इतना जो प्रभावित किया था उसके हर एक जो गाना
वह कंठपाठ भी कर चुके थे। आप सभी अभी आपको जो हिंदी पोयम याद नहीं रहते हैं, लेकिन कोई भी जो हिंदी फिल्म का जो गाना आपको गाने के लिए कहा तो आप बहुत एक्सपर्ट है, वैसा जो सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन कर देते हो। लेकिन आपको यहाँ टेक्स्ट बुक का गाना भी गाना आना आवश्यक है, यह कहते हैं। उन्होंने प्रथम स्टेज प्रोग्राम सोलापुर में दिया था। अपने पिता के साथ कई कार्यक्रमों में अलग अलग शहरों में भाग लिया। 14 वर्ष के अल्पायु में ही किर्लोस्कर संगीत मंडल ज्वाइन कर लिया। देखिए, संगीत के लिए जन्मे हुए यह लता मंगेशकर जी बहुत छोटी सी उम्र में ही संगीत का जो क्षेत्र के लिए ही बनी है, ऐसा आभास करा दिया। बहुत सारे जो गाना, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट, संगीत उपकरण उसके लिए बहुत प्रिय था। कारण यह था कि जैसे पिताजी से ऐसे घर के जो वातावरण रहते हैं ना, वह प्रभाव बच्चों पर भी पड़ते हैं, यह एक उत्तम निदर्शन है। घर में पिताजी सदैव संगीत उपकरण में कुछ ना कुछ बजाते रहते थे। यह अपने आंखों से देखकर महसूस करने वाले लता मंगेशकर जी अपने छोटे उम्र में ही वह सभी बजाना सीख लिए थे। वह सहनाई जो इसके लिए गाना गाना, सारंगी बजाना, तानपुरे बजाना, ये सभी वह सीख ली थी। उन्होंने, लता मंगेशकर जी ने प्रथम स्टेज प्रोग्राम सोलापुर में दिया था। एक संगीत क्षेत्र में निपुण होकर, सब कुछ सीखकर यह सोलापुर के प्रथम स्टेज प्रोग्राम दिया था। इससे पहले वह पिताजी के साथ गाते थे, लेकिन स्टेज प्रोग्राम उसकी पहला था वह सोलापुर में दिया हुआ था। अपने पिता के साथ कई कार्यक्रमों में अलग अलग शहरों में भाग लिया था। यह सोलापुर में पहला जो कार्यक्रम देने के बाद में पिता के साथ बहुत सारे कार्यक्रम में इन्होंने भाग लिया था और इस तरह बहुत सारे शहर घूमकर आए थे। 14 वर्ष के अल्पायु में ही, मात्र 14 वर्ष, केवल 14 ईयर्स के उम्र में ही हमारे लता मंगेशकर जी किर्लोस्कर संगीत मंडली ज्वाइन कर ली थी। किर्लोस्कर संगीत मंडली उस समय का बहुत फेमस जो संगीत मंडली कहलाते थे, अकादमी कहते हैं ना, आनंद लहरी, ऐसे सभी आनंद स्टूडियो, ये सभी कहते हैं ना, संगीत के लिए बने हैं। और ऐसे कहने वाले एक संगीत स्टूडियो जो मंडली था, किर्लोस्कर संगीत मंडल ज्वाइन कर ली मात्र 14 वर्ष के उम्र में ही। केवल 14 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने किर्लोस्कर संगीत मंडली ज्वाइन कर ली। लता जी के बहन मीना, आशा, उषा, बाई, हृदयनाथ, लता जी के बहने हैं, तीन बहने थे, मीना, आशा, उषा और बाई हृदयनाथ भी पिता के साथ रहते थे। उन्हें अपने बचपन की स्मृतियां तब तक याद है। बहुत मतलब बीती हुई बचपन से बहनों के साथ खेला हुआ क्षण, बहनों के साथ किया हुआ मौज मस्ती, भाई के साथ किया हुआ मौज मस्ती, भाई के साथ बिताया हुआ उस अनमोल क्षण, ये सभी सदैव याद आती रहती है, वह याद करती रहती है। क्योंकि क्या है, बचपन का वह मीठी स्मृतियां कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आप भी कभी कभी समय मिलता है तो अपना जो बचपन में कौन कौन जो आपके बेस्ट फ्रेंड थे, कौन कौन आपको प्राइमरी शिक्षा दिए थे और हाई स्कूल शिक्षा में, कुछ ऐसा वैसा क्षण जो आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं, वैसा क्षणों को याद करते रहिए। यही आपके लिए आपको बहुत बड़ा आनंद देने वाले जो विषय बन सकते हैं। बचपन की स्मृतियां तब अभी तक याद है। वे अपनी दादी और नानी के साथ एक छोटी सी घर में रहते थे। दादी और नानी देखिए दोनों है, पिताजी के जो माँ भी है, माँ के माँ भी है,
दादी और नानी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे, नानी माँ का एक छोटा सा पूजा घर था, सायं वे पूजा घर में एकत्रित होते और हारमोनियम पर भक्ति गीत गाते थे। इवनिंग समय पर ये सभी वहां उपस्थित हो जाते थे, कहां? नानी के घर के एक पूजा घर में सभी यहां आते थे और हारमोनियम पर भक्ति गीत गाते थे। उनकी नानी माँ कहानियां सुनाने में माहिर थी, भक्ति गीत गाने गाने के बाद में कहानियां सुनाते थे। कौन सुनाते थे? नानी माँ बहुत सुंदर तरीके से कहानियां सुनाते थे। वे हिंदी मराठी के मिश्रण के भजन भी गाते थे, हिंदी और मराठी ऐसे मिश्रित भजन भी वह गाया करते थे, लोकगीता भी सुनाया करते थे। लोकगीता जो प्रचलित उस प्रदेश में जो प्रचलित एक प्रमुख जो पद्य कहलाते हैं वह लोकगीता भी वह सुनाती थी। लता जी को भगवत भक्ति के संस्कार बचपन से ही मिलने लगे। इस तरह भगवत गीति की जो के ना भगवत भक्ति के संस्कार, भगवान के प्रति यह श्रद्धा रखने वाले भाव और भगवान के प्रति विशिष्ट जो संस्कार जो गुण है ना वह बचपन से ही मिलते रहे। वह गीत का पाठ छोटी उम्र में ही करती थी और तथा उसके नवे अध्याय तथा अद्रत उद्रत श्लोक गायन आरंभ करने से पहले उच्चार करती थी। देखिए कितना प्रभावित की थे भगवत गीता के बहुत जो पंक्तियाँ उन्हें याद थी, वह गीत का पाठ छोटी उम्र से ही करती आती थी। वैसे जो यह थोड़ा डिफिकल्ट है सभी जो अध्याय कंठस्थ रख रहा, फिर भी यह इसको पूर्ण जो अध्याय याद आते थे। जिस तरह देखिए हनुमान चालीस एक सुंदर पद्य है, वह पद्य पढ़ते वक्त आपको शिष्टाचार से पढ़ना है, कभी भी गलती नहीं करना है और यह याद रखना भी थोड़ा मुश्किल का जो विचार है, फिर भी बहुत सारे जो यह श्रद्धा से भक्ति से किए तो सब कुछ याद रहते हैं। देखिए गीत का पाठ छोटी उम्र से ही करती थी और तथा उसके नवे अध्याय से उद्धृत श्लोक, जो नवे अध्याय से उद्धृत श्लोक गायन आरंभ करने से पहले ही उच्चार करती थी, जो गायन आरंभ करने से पहले ही उच्चार करती थी। यही कारण है कि वे निर्भीक होकर शांत भाव से गाती थी। इसी कारण से ही जो गीत के सभी अध्याय से मालूम था और निर्भीक होकर वहाँ गाती थी और शांत भाव से गाती थी। किसी से भी जो मतलब बगल में ही कुछ ऐसा वैसा हुआ तो भी उसको मालूम नहीं होता था, निर्भीक होकर और शांत भाव से विचलित नहीं होती थी। वहाँ वहाँ यहाँ उसके बारे में ध्यान ही नहीं देती थी, वन एंड ओनली उस गायन पर वह ध्यान रखती थी, शांत भाव से गाती थी। एक बार न्यूयॉर्क के ऑडिटोरियम में बम के अफवाह फैलने पर लता जी बिना विचलित हुए शांत भाव से गाती ही रही थी। देखिए कितना शांत भाव है, हम कह नहीं सकते हैं। देखिए लता मंगेशकर अपने जो छोटी उम्र में ही एक बार गाना गाते समय न्यूयॉर्क लता मंगेशकर एक बार न्यूयॉर्क गए थे, वहाँ संगीत की जो कार्यक्रम आयोजना किए थे और आयोजना किए हुए उस संगीत के कार्यक्रम प्रारंभ भी हुआ था, लता जी अपने सुंदर गाना वहाँ गा रहे थे। ऐसे जो गा रहे थे निर्भीक होकर और शांत भाव से वहाँ गा रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ, किसी ने अफवाह फैला दिया। अफवाह मतलब गाली सुनी, फेक न्यूज़। वैसे इस जो कहना ऑडिटोरियम में बॉम्ब है ऐसे कहते ही लोग सभी इधर उधर फैल गए और अपने जो कहना जीव को बचाने के लिए यहां से वहां वहां से यहां सभी जगह पर यहां लोग दौड़ रहे थे, लेकिन उस स्टेज में बैठे हुए लता जी मात्र निर्भीक होकर शांत भाव से गाती रही। उसको यहां पता ही नहीं चला यहां बाहर क्या हो रहा है,
यह बॉम्ब है, ये सब कुछ उसको पता ही नहीं चला। सबको आश्चर्यचकित, सब आश्चर्यचकित हो रहे थे, आखिर यह बॉम्ब है ऐसा कहने पर भी वह गाती रही। देखिए यह कहते हैं शांत भाव से गाना और साथ ही साथ निर्भीक होकर गाना, यह कह रहे हैं यह उनकी जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षणों में एक है और शांत भाव से गाती है, ऐसा निदर्शन देने के लिए यह उदाहरण है। बच्चों आज की कक्षा में हम लता जी के जन्म और अपनी छोटी उम्र में ही किस तरह उन्होंने संगीत जो साम्राज्य के लिए वही बनी है, यह जो आवाज कराने वाले कुछ क्षण और उनकी जो गायन नानी माँ के घर में नानी माँ के साथ दादी माँ के साथ किस तरह वह गाना गाते थे, भजन करते थे, ये सभी वह हम आज के कक्षा में चर्चा किए हैं। आने वाले कक्षा में इसके आगे का भाग देखेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।